हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के बना रहा हूँ और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खास क्या है आइए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक शीट ओपन है जिसमें आपको नेम ऑफ स्टूडेंट और उनके क्लास की डिटेल मिल जाती है। तो यहाँ पर अब ये नाम की जो लिस्ट है ना ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, देख सकते हैं ना इसमें काफ़ी सारे नाम आपको लिखे हुए दिखाई देंगे। आप इसको स्क्रॉल करिएगा नीचे तो स्क्रॉल करते ही जाइएगा तो काफ़ी सारे नाम है, ठीक है। हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि ये जो लास्ट नेम सिंह है, किशन है, खान है, चौहान है, ये लास्ट नेम हट जाए इसमें से, सिर्फ हमें फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम नहीं चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप सोचेंगे कि यहाँ से क्लिक करेंगे और फिर एक एक करके हटाते चलेंगे तब तो फिर ये काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा क्योंकि लिस्ट तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है लंबी, ठीक है। तो अभी क्या कर सकते हैं इसके लिए, इसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक लगाना है। इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कीजिएगा सिर्फ नाम वाला, ठीक है। अब नाम वाला डेटा ही सेलेक्ट करना है तो यहाँ से जाइएगा, नेम ऑफ स्टूडेंट को ऊपर छोड़ दीजिएगा, बाकी सब सेलेक्ट कर दीजिएगा, सेलेक्ट हो गया। अब ये सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो कंट्रोल के साथ एच प्रेस करना है, तो कंट्रोल एच प्रेस कर दिया। अब आपको करना क्या होगा, देखिए बहुत आसान सी ट्रिक है, एक बार स्पेस दे दीजिएगा क्योंकि वहां पर एक बार स्पेस मिल रहा है दो नामों के बीच में, यानी कि सेकेंड जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बीच में जो स्पेस है उसके लिए हम ये स्पेस दे दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लगा रहे हैं हम मल्टीप्लाई का साइन, जो एस्ट्रिक साइन होता है वो साइन हमने लगा दिया। और फिर क्या करना है आपको, सिंपली अब आपको कुछ करना ही नहीं है, सिंपली रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना, ये रिप्लेस ऑल आपको दिखाई दे रहा है, बस इसी पे क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो ये जादू हो जाएगा, मैं आपको क्लिक भी करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये सारे लास्ट नेम रिमूव हो चुके हैं, अब ये लिस्ट पूरी तरह से ब्लैंक, मतलब लास्ट नेम वाला हिस्सा पूरी तरह से ब्लैंक हो गया, देख सकते हैं ना। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।